वो मुझे वैसी वाली बहुत पसंद है, वो ऊपर में जो है। अब ये भाई बाइक राइड से सीधा ट्रैक पे बात आ गया है, तो देखो वी आर गोइंग टू दैट वाटरफॉल। बर्फ गिर पड़ रहा है ना? हाँ बर्फ गिर रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, हम लोग सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं और वेदर मतलब बाहर का बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी मैं दिखा दूंगा, वेदर इतना ज़्यादा ख़राब था हम लोग का प्लान हो गया था कि मतलब नहीं जा पाएंगे, बारिश वारिश काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ से केलोंग से अब हम लोग सरचू की तरफ निकलेंगे, निकलने का प्लान था बट आई गेस वी विल गो टू दीपक ताल और सूरज ताल जो उससे थोड़ा पहले है, तो वहाँ जाएंगे। यहाँ सामान देखो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है ये देखो, तो अभी मैं बाहर का नज़ारा दिखा दूंगा, मतलब बादल क्लाउडी मतलब काफ़ी कम हो गया है। तो हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे, एक बारी बाहर का देख लो। और ये देखो ये है हमारा खिड़की, ये देखो ये है हमारा खिड़की, ये रहा हमारा स्टैंड, और ये देखो यहाँ का मौसम अभी मतलब बारिश वारिश सब थोड़ा कम हो गया है, क्लाउडी भी ख़त्म हो गया है और यहाँ सब एक्सेसरीज चार्ज भी हो रहे हैं। सो वी आर रेडी टू गो, गुड टू गो। और ये मेरा पूरा ड्रेसअप है, मैं रेडी हो चुका हूँ, सामान वगैरह भी सब नीचे जा चुका है, गाड़ी में लोड हो गया है, तो अब मिलते हैं सीधा गोप्रो पे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम केलोंग, और ये व्यू देखो, यहाँ से भाई हम लोग वापस जा रहे हैं मनाली की तरफ, क्योंकि भाई यहाँ पूरा प्लान चौपट हो रखा है ना। हम लोग रोहतांगला हो के स्पीति जा पा रहे हैं ना काजा, और ना ही इस साइड हम लोग लेह जा पा रहे हैं, क्योंकि जिस्पा के आगे जो सरचू है वो सरचू में पूरा बर्फ भर चुका है और वो बंद है, क्योंकि कल काफ़ी स्नोफॉल हुआ है, हम लोग भी वो स्नोफॉल में फंसे हुए थे, तो इसके वजह से भाई अब हम लोग उस साइड भी नहीं जा पा रहे हैं, इस साइड भी नहीं जा पा रहे क्योंकि रोहतांग बंद है। मतलब बुरे तरीके से हम लोग यहाँ बीच में फंस गए हैं, न इधर के रहे न उधर के रहे, तो यहाँ के लोकल वगैरह से बात बात करके हम लोग यही छोटा मोटा कोई लेक वेक कोई घूम लेंगे, यही सब अभी डिसाइड हुआ है। तो यहाँ पे 12 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा लेक है, मतलब बहुत ही खूबसूरत लेक है, तो ये लोग बोले चलो थोड़ा साइट सीइंग यहीं पर कर लेंगे। सुबह इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था ना भाई कि क्या बताऊँ, हम लोग का प्लान पूरा ड्रॉप हो गया था। हम लोग तो सोचे कि आज मतलब जाना ही नहीं है, आज पूरा रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल भी हम लोग गीले हो गए थे और फिर आज भी गीला हो जाते तो ये वो दर्द नहीं था, तो इसलिए हम लोग अब वापस उस लेक की तरफ जा रहे हैं। ये देखो भाई पहाड़ियाँ, यहाँ से आते वक्त फ्यूल ले लेंगे, एक्चुअली फुल तो है ही लेकिन यहाँ रिस्क नहीं लेने का पहाड़ी पे। अच्छा यार इतना स्पीड रिवर्स करेगा, ये देखो उफ क्या लग रही है बॉस। जाओ जाओ हमें तो नज़ारे के मज़े लेने हैं। यार यहाँ ये लोग आ गए, वरना इसको मैं बहुत एडवेंचरस वे में क्रॉस करता। हल्की सी बाइक मतलब स्लो हो रही है ना, तो वो पूरा वेपर जम जा रहा है हेलमेट के सामने, ये बहुत दिक्कत हो रहा है एक। और वाइजर उठा के चलाना यहाँ पॉसिबल नहीं है, इतना ठंडा हवा आँख में लग रहा है ना, कल मेरे आँख पूरा लाल हो गया था, पापा बोल रहे थे तब काफ़ी ज़्यादा रेड था। Woo!
मैं ऐसे ही क्रॉस करता, लेकिन सामने कितनी ज़्यादा गाड़ी थी ना, तो इसलिए मैं वैसे क्रॉस नहीं किया। ये देखो भाई साहब, आज हमारा डे टू है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा यार डे टू है, क्योंकि हम लोग यहाँ कहीं बीच बीच में ही कहीं फंस गए हैं। ना उस साइड जा पा रहे स्पीति गाजा, ना इस साइड ले जा पा रहे। ये देखो दोस्तों ब्यूटी, इसे कहते हैं ब्यूटी। लास्ट वीडियो में मैं यहाँ से आ रहा था, केलोंग की तरफ जा रहा था, और अब मैं केलोंग से वापस मनाली की तरफ जा रहा हूँ। नॉट मनाली, बस कुछ ही दूर है वो लेक, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। और भाई मुझसे रुका नहीं गया ये नज़ारा दिखाने के लिए, देखो यार, सोच रहा हूँ मैं इतना क्यों खींचने लग रहा हूँ अचानक से, इतना भींगा रोड है फिर भी, क्योंकि भाई गाना इमरान खान का गाना हिट किया है बॉस। भाई नज़र नहीं हट रही है, बाइक कैसे चलाऊं मैं, देखो यहाँ आना मतलब भाई खो जाओ एकदम पहाड़ों में, फोन वोन रख दो सब कुछ भूल जाओ, जस्ट इंजॉय भाई यहाँ का, जो भी वेदर हो, पहाड़ियाँ हो, राइड्स हो, कुछ भी इंजॉय दिस। बहुत कुछ होता है जैसे यहाँ पे आके ना बिजनेस करता है, जैसे मेरे पापा केलोंग में, भाई बहुत अच्छा नेटवर्क था, पापा बोल रहे ना कि अब वहीं पे स्टे करेंगे एक और दिन, क्योंकि वहाँ कंटिन्यू पापा का कॉल में बात बात हो पा रहा है, काम हो पा रहा है, तो बोला अब हम एक बार और स्टे वहीं करेंगे, क्योंकि तो कहीं जाना तो है नहीं, तो स्टे करेंगे उधर ही फिर से। बोले क्या यार, खैर लीव ऑल दैट, ये नज़ारा बस देखते रहो। एक्सीडेंट्स डो नॉट हैपन बिकॉज, भाई हाथ पाथ पूरे जम रहे हैं बोलने में भी तकलीफ हो रही है बस। यार लुक एट दिस, ये देखो ऐसी पहाड़ियां मुझे बहुत खूबसूरत लगती है जो हल्का स्लैंट रहती हैं। ये जो खड़ी खड़ी पहाड़ियाँ हैं ना, ये भी बहुत अच्छी है, बट एक होता है ना, एक अपने अपने चॉइस होते हैं, मुझे वैसी वाली बहुत पसंद है वो ऊपर में जो है, और ऊपर हल्का ग्लेशियर हल्का ग्रीनरी, उफ क्या कॉम्बिनेशन है बॉस। ये देखो चारों तरफ से भाई बर्फीली पहाड़ियों से घिरे हुए हैं, और ठंड बढ़ते जा रही है यार, कितना टेम्परेचर है ओ भाई। यार इसमें तो गाना बज रहा है, जब हम लोग निकले तो वहां तो दो डिग्री था, यहाँ देखते हैं पता नहीं कितना होगा। पिकअप क्यों ड्रॉप कर रही है भाई बाइक, वो
moments later. और यही है वो लेक जहाँ हम लोग आए हैं. चलते हैं और थोड़ा करीब से दिखाएं वो क्या खूबसूरत वाटरफॉल है यार. वहाँ ऊपर में काफ़ी हाइट से गिर रहा है पानी. पानी भी नहीं, मे भी बर्फ भी हो सकता है यार, क्योंकि इसका पार्टिकल्स बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है. तो दोस्तों यही है सीसू लेक जिसके लिए हम लोग वापस आए थे. इस सीसू वैली के बीच में है. यहाँ बोटिंग वगैरह एवरीथिंग सब होता है. ये वैली के बीच में है, दोनों साइड वैली, उसके बीच ये लेक. वैली खूबसूरत है. One hour later. So, actually, we are on a trek. अभी ये भाई बाइक राइड से सीधा ट्रैक पे बात आ गया है. तो वी आर ट्रैकिंग और हम लोग जा रहे हैं वो उधर वाटरफॉल. आई विल शो यू. भाई मेरे पास ट्राईपॉड है नहीं, वरना वो मेरे लिए इजी रहता. लेकिन यहाँ दिखाते हैं. देखो, वी आर गोइंग टू दैट वाटरफॉल एंड ये है भाई व्यू पूरा. इतनी सारी गाड़ियां दिख रही है ना, छोटी छोटी. हम लोग वहां से आ रहे हैं और अभी वो वाटरफॉल तक जाना है. हम लोग वहां आए थे, जिप लाइन से आए थे और भाई जाते वक्त दिखाएंगे जिप लाइन. ठीक है, तो बने रहो साथ में और चलते हैं और ऊपर तक. वहां तक अपने को अभी चलना है. समझ रहे हो क्या ही अनमोल चीज है. ये देखो यहाँ तक पूरा ग्लेशियर है. यहाँ पानी ग्लेशियर. ये देखो वाटरफॉल तो आ गया बट यहाँ पानी के छींटे इतने पड़ रहे हैं ना, मतलब पूरे अच्छे तरीके से मैं भीग भी चुका है. इससे मैं जैकेट भी पहन लिया, हालांकि अभी गर्मी हो रहा है. सो ये रहा वाटरफॉल. ये सीसू में है तो अगर आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो. थ्रू जिप लाइन आना पड़ेगा और जिप लाइन से थोड़ा लंबा ट्रैक है. वहाँ से ट्रैक स्टार्ट है तो ट्रैक करके आप लोग आ सकते हो. ओ भाई यार पानी पड़ रहा है, निकलना चाहिए अब हमें. कल मिलते हैं अब जिप लाइन पर. मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ जिप लाइन. मतलब मैं रिस्क लेके थोड़ा फ़ोन लेके जाऊँगा तो फ़ोन लेके जिप लाइन करूँगा. तो चलते हैं, देखते हैं क्या सर है. एक्चुअली बस फ़ोन पानी में ना गिर जाए वरना दिक्कत हो जाएगा. तो चलते हैं. बर्फ गिर रहा है क्योंकि इतना ठंडा जो है ना, ये बर्फ है. सो यार बैक अगेन एंड नाउ वी आर रिटर्निंग टू किलोंग, मतलब वापस अपने होटल को, क्योंकि वहाँ सब तो बंद पड़ा हुआ अभी स्नो के वजह से. तो भाई सामने देखो नज़ारा. और अभी थोड़ी देर पहले पापा चला रहे थे मेरी बाइक और वो भी मतलब व्लॉग की है. तो अभी थोड़ी देर बाद मतलब फिर अभी स्विच किए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहे थे और अब मौसम मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है अभी. तो बोले स्विच कर लेते हैं, स्विच करके फिर चलते हैं. फिर आप होगा तो कल चला लेना. यहाँ थोड़ा फटफट निकलते हैं क्योंकि एक बार हम लोग जिप लाइन में ऑलरेडी भींग चुके हैं
दोबारा भीगना नहीं है, तबीयत ख़राब करना नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी दिन रहना है यहाँ पे। और भाई सामने व्यू देखते रहो, यार मैं यह सोच रहा था कि मतलब व्लॉग्स तो ऐसे ही बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं, क्योंकि कल का मैंने वीडियोस चेक किया है जो हम लोग रोहतांग से वापस फिर इधर सरचू का प्लान कर रहे थे, तो लास्ट वाले व्लॉग तो मैं देखा था, मतलब काफ़ी लंबा लंबा हो रहा है। तो ये रूट तो आप लोग देख ही चुके हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब अब बाद में कंटिन्यू करेंगे फिर कोई वीडियो, मतलब कोई अगली से अच्छी वाली कंटेंट अगर आएगी या कोई न्यू रूट पर जाएंगे। तो अभी तो वापस हम लोग वही किलोंग वाले होटल पर जा रहे हैं, हम लोग रीबुकिंग कर लिए अपना। तो यार ये वीडियो को रखते हैं यहीं तक, शॉर्ट एंड सिंपल, और मिलेंगे भाई किसी अगली वाली अमेजिंग वीडियो पे। और भाई स्टे सब्सक्राइब, क्योंकि अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट्स अभी आने वाले हैं। सो सेफ ड्राइव एंड टेक केयर गाइस।